फ्रेंड्स, माय नेम इज रुद्र। आज हम बनाने जा रहे हैं एक टेलीग्राम बॉट, और आज हम बनाने जा रहे हैं एक वैक्सीनेशन नोटिफायर। और ये वैक्सीनेशन का जो स्लॉट है वो हमको टेलीग्राम में वैक्सीनेशन बुकिंग से पहले हमको मैसेज आएगा और वो नोटिफाई करेगा और अलर्ट करेगा कि ये वैक्सीन अभी अवेलेबल है और हम उसको बुकिंग कर सकते हैं टाइम से पहले। तो हम इसको बनाने के लिए हम पहले अपना गूगल क्रोम ब्राउजर खोलेंगे और उसमें टाइप करेंगे एपीआई सेतु और इस वेबसाइट को हम खोल लेंगे। और ये वेबसाइट खोलने के बाद ये हमको कुछ एपीआई देगा। इस वेबसाइट को खोलने के बाद ये हमको एपीआई की देगा और उस की से हम अपना जो वैक्सीनेशन स्लॉट है, एक एरिया और पिन कोड और पर्टिकुलर डेट में हम इसको बुकिंग कर सकते हैं और हम इसको टेलीग्राम में ऑटोमेट करके लोगों को दे सकते हैं और बुकिंग टाइम से पहले कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हमने इसको खोल लिया है और इसमें हम एपीआई डायरेक्टरी में जाएंगे। एपीआई डायरेक्टरी के जाने के बाद हम टाइप करेंगे कोविन और ये जो भी आएगा हम उसको क्लिक कर लेंगे। और ये आया हमारा जो एपीआई का लिंक। हम डिस्ट्रिक्ट फाइंड बाय डिस्ट्रिक्ट से हम एपीआई की से हम वैक्सीनेशन स्लॉट को फाइंड करेंगे। तो हम इसको क्लिक करते हैं और ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन है पाइथन का और इस लिंक से हम ये एक हमको लिंक देगा और उसी लिंक वैक्सीनेशन का कौन सी स्लॉट खाली है हम उसको जान सकते हैं। तो ये एक जेसन की फॉर्मेट में दी गई है। ये एक जेसन की फॉर्मेट, ये सेशन एक की है और ये उसका वैल्यूज है। तो ये थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो ये हमको एक को लिंक देगा, राइट आउट में मारेंगे एग्जीक्यूट। जो रिक्वेस्टेड यूआरएल है ये हमको दे दिया है और इसको हम कॉपी करेंगे। हमने कॉपी कर ली तो इससे हम चेक कर सकते हैं कि हमारा कौन सी वैक्सीनेशन स्लॉट खाली है। तो हमको इस लिंक से कुछ भी मॉडिफाई नहीं करना है, बस दो चीज़ें मॉडिफाई करना है, एक तो डेट और एक डिस्ट्रिक्ट आईडी। डिस्ट्रिक्ट आईडी आपको वहां से मिल जाएगा और मैं कटक की रहने वाला हूं तो मैं कटक का डिस्ट्रिक्ट कोड यूज करता हूँ। कटक का डिस्ट्रिक्ट कोड है 457 एंड टुडे डेट इज ये सितंबर का महीना है और तारीख है आज 26। तो हम इस तारीख का देखेंगे कि आज का स्लॉट खाली है और नहीं। तो हम क्लिक करके एंटर मारते हैं तो देख सकते हैं ये एक जेसन की फॉर्मेट है और ये हमको वैक्सीनेशन स्लॉट दे दिया है। ये एक मेसी डाटा है और इसको समझने में टाइम लगता है। तो स्टेट नेम देखिए, स्टेट नेम उड़ीसा, डिस्ट्रिक्ट नेम कटक और ब्लॉक नेम कटक म्यूनसिपल कमिश्नर, पिन कोड दे दिया है और वैक्सीनेशन का फी टाइप क्या है, पेड या है फ्री है, और डेट भी दे दिया है और अभी मेन चीज़ है अवेलेबल कैपेसिटी। देखिए अवेलेबल कैपेसिटी हमको ये दिया है और डोज वन और डोज टू भी दिया गया है और मेन चीज़ है हॉस्पिटल का नेम, उसमें नेम पे ये हॉस्पिटल का नेम दिया है। तो इससे इसकी मदद से हम फाइंड करेंगे। ये
एक मैसी डाटा है और इसको हम एक फॉर्मेट में शो करेंगे। पहले तो स्टार्ट करते हैं, हमारा कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। आप कोई भी कोड यूज कर सकते हैं पाइथन का कोड लिख के, पाइचाम, पाइडेम। मैं यूज करता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड। तो स्टार्ट करते हैं, पहले कुछ हम लाइब्रेरीज को इम्पोर्ट करेंगे, उसके बाद हम हमारा मेन कोड जो लिखें। और ये जो हमने आज ऑटोमेशन का प्रोग्राम लिखने वाले हैं, और वो लेस देन 30 लाइन्स कोर्स पे अंदर ही रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं, पहले हम कुछ लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं। पहला है हमारा रिक्वेस्ट, हमने रिक्वेस्ट को इंपोर्ट कर दिया है। ओके, आप चाहे तो इसको भी मॉड्यूल को इंस्टॉल पहले कर सकते हैं, पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो इस ये मुझे दिखाएगा रिक्वेस्ट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो हम अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं और आप इसे ही लिख दीजिएगा। देखिए रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड ये लिखा रहा है। तो हम अपना कोड लिखते हैं, इसको एक सटीक फॉर्मेट में हम कन्वर्ट करके शो करेंगे। तो हम एक लिस्ट बना देते हैं और उस लिस्ट का नाम देते हैं डाटा, और उसमें बहुत सारे डाटा रहेंगे। हम जो दिखाने वाले हैं वो डाटा रहेंगे। उसके बाद हम एक फंक्शन बनाएंगे और उसी फंक्शन में हमारा जो ओवरऑल कोड है शो करने का, उस जेसन डाटा को शो करने का, हम उसको वहाँ पे शो करेंगे। तो फंक्शन को लिखते हैं, हमारा फंक्शन का नाम होगा कोइन एक्सट्रैक्ट। फंक्शन बना दिया है हम और उसका हम मेन कोड लिखते हैं। तो हमारा बेस यूआरएल क्या था, हमने जो यूआरएल में टेस्ट किया था, यहाँ पे जो हमारा बेस यूआरएल था वो ये है, उसमें से डिस्ट्रिक्ट आईडी और डेट हमने सिर्फ मॉडिफाई किया था, उसको हम कॉपी करते हैं और हमारा यूआरएल में वह पेस्ट करते हैं। हमने पेस्ट कर दिया है, सॉरी इसको एक सिंगल कोट में रखेंगे क्योंकि ये एक वेरिएबल है। और हम इसको ब्राउजर में टेस्ट करेंगे, उसके बदले में एक लाइब्रेरी है पाइथन में, तो ये नाम है रिक्वेस्ट। हम रिक्वेस्ट की मदद से हम इसको ब्राउजर में शो करेंगे। तो रिक्वेस्ट डॉट गेट, इसको ये जो बेस यूआरएल है, ये जो बेस यूआरएल है उसको हम गेट करेंगे। हमने कर दिया है और ये हमारा ऐसे ही शो करेगा, जब भी ब्राउजर में जाएगा ऐसे ही शो करेगा। तो हमको इसको एक फॉर्मेट में रखना पड़ेगा, तो हम फॉर्मेट रखने के लिए हमें एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा, उसका नाम है जेसन। हम इसको जेसन में कन्वर्ट करेंगे और एक सेव देंगे। तो हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, उसका नाम है जेसन ऑब्जेक्ट।
उसमें हम इस जेसन को खोलेंगे। तो लिखते हैं जेसन डॉट लोड्स, ये जो हमने रिक्वेस्ट एक वेरिएबल बनाया था उसका, और उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में रखेंगे। तो हमने इतना लिख दिया। अब ये जो जेसन का फॉर्मेट में डाटा है, और ये डिक्शनरी और लिस्ट का कॉम्बिनेशन है, और ये जो सेशन है ये की है, और ये सब एक एक वैल्यू है। आपको मैं डेट चेंज करके दिखा देता हूँ, सॉरी 26 को मैंने किस कर दिया है और पेस्ट कर दिया है। देखिए इस सेशन एक ई है और ये एक वेरिएबल है, सॉरी वैल्यू है। तो हम सेशन को एक की लेंगे, और सेशन में बहुत सारा है तो हम सेशन को एक की में रखेंगे। तो हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसका नाम है काउंट। वो सेशन में जो जितने भी वैल्यू है, सेशन की में जितने भी वैल्यू है उसको शो कराएगा। तो हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं काउंट, और उसमें ये जो जेसन ऑब्जेक्ट है, हमने जो जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया है उसको शो कराएंगे। और किसको शो कराएंगे? जो सेशन है, ये जो सेशन है इसको शो कराएंगे। तो हमने लिख दिया है। उसके बाद अगर हम इसको एक कंडीशन में डालेंगे, अगर ये सेशन में कुछ भी सेशन किए में कुछ भी वैल्यू नहीं है, तो उसका मतलब उसका वैल्यू जीरो है। अगर यहाँ पे वो वैल्यू है तभी वो शो कराएगा, अगर यहाँ पे जो वैल्यू नहीं है तो कैसे शो कराएगा, नहीं शो करा पाएगा अगर वैल्यू नहीं है। तो हम एक कंडीशन लिखेंगे, इफ कंडीशन, इफ हमने सेशन को काउंट में लिया है तो इफ लेंथ ऑफ काउंट इज ग्रेटर देन जीरो, अगर जीरो से अधिक होगा तब इसको हमको शो कराएगा। तो हमने जीरो से अधिक जब होगा वो शो कराएगा, वो कमांड हमें कंडीशन लिख लिया। अब लिखेंगे अगर वो जीरो से अधिक है तो उसको पूरा शो कराए, उसमें जितना भी सेशन है जितना भी वैल्यू है उसको सबको शो कराए। तो हम फॉर लूप लगाएंगे, तो फॉर सेशन एक वेरिएबल लेंगे, इसमें से काउंट में, काउंट में जितने भी सेशन है उसको शो कराए। काउंट में कौन सी सेशन कौन सी वैल्यू है हम उसको देख लेते हैं। पहले हम डेट को चेंज कर लेते हैं, सॉरी हमने 26 कर दिया है। और क्या क्या है हमारा वैल्यू? एक तो नेम है, एड्रेस है, ब्लॉक नेम है, डिस्ट्रिक्ट नेम है, पिन कोड है, अवेलेबल कैपेसिटी, डोज वन और डोज टू, इतने सारे हैं। तो हम पहले लेंगे मिनिमम एज लिमिट, इसको हम ले लेते हैं मिनिमम एज लिमिट। हम सिलेक्टेड वेरिएबल लेंगे जितना यूजर जान पाएगा, तो मिनिमम एज लिमिट को हम एक वेरिएबल लेंगे और उसमें शो कराएंगे। तो हमने क्या लिया था? सेशन लिया था। सेशन में हमारा काउंट में जो सेशन है उसमें ये है, और ये हमको एक लिस्ट के माध्यम से शो कराना पड़ेगा। तो हमने सॉरी सेशन लिख दिया है, ये हमारा रहेगा मिनिमम एज लिमिट। इफ
इस जेसन फॉर्मेट में जो भी डाटा है हम उसके तरफ से लेंगे, फिर हम लेंगे एक नेम, वो जो हॉस्पिटल का नेम है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, इसको लेंगे। इसके बाद नेम, हमने ले लिया है, और उसके बाद लेंगे पिन कोड, तो हमारा तो वो पिन कोड लिखा हुआ है, तो हम पिन कोड डायरेक्टली ले लेते हैं। पिन कोड हमने ले लिया है, और पिन कोड के बाद हम लेंगे अवेलेबल कैपेसिटी, फिर हम अवेलेबल कैपेसिटी को ले लेते हैं, ये जो वैल्यू है। अवेलेबल कैपेसिटी को भी ले लिया है, और ये सेशन अवेलेबल कैपेसिटी, और लास्ट में हम लेंगे ये ट्री है और ये पेड। तो ट्री या पेड जानने के लिए हमको फी टाइप एक की होता है उसको लेना पड़ेगा, फी टाइप पेड या ट्री, फी टाइप लेंगे। फी टाइप को भी ले लिया है, और सेशन फी टाइप, और हम लास्ट चीज देंगे, और वो है वो कौन सी वैक्सीन है, कोवैक्सीन है या कोविशील्ड है या स्पुटनिक भी, कौन सी वैक्सीन, वो वैक्सीन टाइप है। तो हमने ये लिया है, हमारा यहाँ तो कोविशील्ड ही फ्री मिलता है, तो हमने कोविशील्ड को ले लिया है। आप जो भी की ले सकते हैं, मैंने उतना ही की लिया है जितना एक टेलीग्राम यूजर का पता चलना चाहिए ऑटोमेशन के द्वारा। तो हमने ले लिया है, और इसको लेने के बाद हम ये सब हमको शो कराएगा। इफ इसमें एक और भी कंडीशन हम डालेंगे, अगर ये जो अवेलेबल कैपेसिटी है वो जीरो होगा तभी कुछ भी शो नहीं करेगा, फिर क्यों हम वैक्सीनेशन का ऑटोमेशन करके नोटिफाई करें यूजर को टेलीग्राम के द्वारा। तो हमको अवेलेबल कैपेसिटी को जीरो से अधिक रखना पड़ेगा तभी वो अलर्ट करें टेलीग्राम में यूजर को। तो हम इसका भी एक कंडीशन लिख लेंगे, तो कंडीशन लिखने के लिए हमको इफ कंडीशन का यूज करना पड़ेगा। इफ अवेलेबल कैपेसिटी इज ग्रेटर देन जीरो, अगर अवेलेबल कैपेसिटी जीरो से मोर होगा तो हम ये जो सब डाटा है, ये जो सब डाटा है उसको हम लिख लेंगे इसमें, इस जो डाटा के द्वारा हम जो लिस्ट बनाए थे उसमें वो अपेंड कर देंगे। तो हम लिखेंगे डाटा डॉट अपेंड, इस लिस्ट में सब जाके रहेगा, तो डाटा को अपेंड कर लेंगे। अब इस फंक्शन को हमको लेके आना है और उसको प्रिंट करना है, हमने उस डाटा को पहले अपेंड कर दिया है इन सब से, तो हमको ये अब फंक्शन में लाके उसको प्रिंट करना पड़ेगा। तो फंक्शन में लाने के लिए हम लिखेंगे इफ नेम इक्वल टू मेन, तब इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे। फंक्शन को कॉल करने के बाद हम प्रिंट करेंगे हमारे डाटा को, हमने जो डाटा में अपेंड किया था इस डाटा में, तब हम लेके डाटा उसको सेव करेंगे और कर्नल को रन करेंगे। हमारा डाटा लोड होना स्टार्ट हो गया है, देखिए एज लिमिट 45 अबव, हॉस्पिटल नेम दैट, पिन कोड दैट, and available capacity dose 1 dose 2 p type paid vaccine copy से, ये हमारा
लिस्ट आ गया है। अब हम बढ़ते हैं हमारा बॉट के, हम एक टेलीग्राम बॉट बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं कैसे हम एक टेलीग्राम का बॉट क्रिएट कर सकते हैं और उसको इस मैसेज से ऑटोमेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम बॉट को बनाने के लिए पहले हमको टेलीग्राम के अंदर जाना पड़ेगा और उस सर्च बार में लिखना पड़ेगा बॉट फादर। ये जो बॉट फादर को हमने कॉल कर लिया है और चैनल को ज्वाइन कर लिया है। फिर हम स्टार्ट लिखेंगे। स्टार्ट लिखने के बाद हम लिखेंगे ये जो क्रिएट न्यू बॉट क्रिएट करने के लिए हमको लिखना पड़ेगा न्यू बॉट। हमने न्यू बॉट लिख लिया है, इस लिखा ऑल राइट ए न्यू बॉट, हाउ आर यू गोइंग टू कॉल इट, प्लीज चूज ए नेम फॉर योर बॉट। उस बॉट का नेम हम चूज करेंगे, तो हम चूज करेंगे वैक्सीन बॉट। बॉट का नाम वैक्सीन बॉट दे देंगे और ये हमारा नेम को एक्सेप्ट कर लिया है और उसको एक यूजर नेम के द्वारा नेम करने के लिए बोल रहा है और यूजर नेम दे देते हैं भी बॉट। इस नेम डिफरेंट नेम यूज करने के लिए बोल रहा है, तो हम भी रुद्रा डॉट ये नाम दे देते हैं। देखिए यह हमारा यूजर नेम को एक्सेप्ट कर लिया है और हमें एक एपीआई की दे दिया है। ये हमारा एपीआई की, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको हम कैसे पेस्ट करेंगे, इसको हम एक लिंक के द्वारा हम पेस्ट करेंगे। तो उस टेलीग्राम के एपीआई में हम अपना जो टेलीग्राम का लिंक है उससे हम चैट, अपना चैट आईडी फाइंड करेंगे। तो हम इस लिंक को पेस्ट कॉपी कर लेते हैं और उस एपीआई की को हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं बॉट के। ठीक बात, तो हम इस एपीआई की को कॉपी कर देते हैं। हमने कॉपी कर दी और उसमें पेस्ट कर दी और इसको हम एंटर करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। ये बता रहा है कि ओके और ट्रू, रिजल्ट हमारा आ रहा है। तो फिर हम अपने टेलीग्राम में जाएंगे, देन टेलीग्राम के आने के बाद हम एक ग्रुप बनाएंगे और उसी ग्रुप में हम मैसेज को हमारा सेंड कर देंगे और उस ग्रुप का नाम रखेंगे वैक्सीन अलर्ट। इस ग्रुप में हम हमारा जो मैसेज है उसको हम टाइप करेंगे। सेव कर देते हैं और इसको एक तो हमारा जो बॉट है वो ऐड कर देते हैं। हमारा बॉट का नाम भी रुद्रा बॉट है, भी रुद्रा बॉट, ये भी बॉट है, इसको ऐड कर देते हैं और उसको एडमिन बना देते हैं। उसको ऐड करने के बाद हम लिखते हैं स्लैश माई आईडी RDH और हमारा बॉट का नेम हमने डाल दिया है। फिर हमारा ब्राउजर में जाते हैं और
इसको फिर से रिफ्रेश कर देते हैं। ये देखिए हमारा आ गया है पूरा का पूरा ट्रू मैसेज, पूरा का पूरा ट्रू मैसेज आ गया है। अब इससे हम हमारा चार्ट आईडी उसको फाइल करेंगे। ये हमारा चार्ट आईडी है, चैट आईडी, दिस इज आवर चैट आईडी, इसको हम कॉपी कर देते हैं। जो भी हमने इसको कॉपी कर दी और यहाँ पे हम इसको मॉडिफाई करके मैसेज टाइप करेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे सेंड मैसेज, क्योंकि हमको मैसेज सेंड करना है, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क देंगे। और चैट आईडी में हमने जो चैट आईडी कॉपी की थी उसको हम एंटर करेंगे। यह हमारा जो चैट आईडी है उसको हमने एंटर कर दिया है। और उसके बाद लिखेंगे एंड टेक्स्ट, हमें जो मैसेज लिखना चाहते हैं वहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो हम लिखना चाहते हैं आई एम रुद्र एंड आई एम प्रोग्रामर, ये लिख के हम एंटर मारते हैं। तो देखिए ये हमारा सक्सेसफुली आ गया है और मैसेज भी आ चुका है, ये चला गया है मैसेज, देख सकते हैं आप। हम बहुत सारे मैसेज इसमें भेज सकते हैं। तो हम सीधे सीधे जाते हैं हमारा प्रोग्राम की तरफ, हमारा आईडी में। तो हम हमारा आईडी में आ चुके हैं। हमारा जो टेलीग्राम बोर्ड का प्रोग्राम है उसको लिखना स्टार्ट करें। तो हम प्रिंट को यहाँ पे प्रिंट करेंगे, हमारे जो डाटा को प्रिंट करने के बाद हम हमारा जो टेलीग्राम का ऑटोमेशन प्रोग्राम है उसको हम लिखेंगे। टेलीग्राम को लिखने के लिए हम ये जो मैसेज है, ये बहुत सारे मैसेज है, तो हम फॉर लूप का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर मैसेज इन डाटा, डाटा के जो लिस्ट में जितना भी मैसेज है और उसको वो लूप में जनरेट करेगा और उसको सेंड कर दो यहाँ पे टेलीग्राम के URL पे। टेलीग्राम का URL हम इस पे लिख देते हैं, हम हमारा टेलीग्राम का लिंक यहाँ से कॉपी कर देते हैं। कहाँ पर टेक्स्ट जिस जितना है उसको हम कॉपी कर देते हैं, एक मिनट, हमने कॉपी कर दी। और इसको हम इंटर करेंगे इस यहाँ पर URL पर, हमने इसको हम ब्रैकेट में रखना चाहेंगे, हमने इसको डबल कोट में रख दिया है। और डबल कोट में रखने के बाद हम इसको एक फॉर्मेट देंगे, दे दिया है। और फॉर्मेट में क्या देंगे, मैसेज, जो मैसेज हमने डाटा से ला रहे हैं। देन हम इसको भी ब्राउजर में लेके जाएंगे, तो इसके द्वारा भी हम रिक्वेस्ट को कॉल करेंगे, रिक्वेस्ट मॉडल को, रिक्वेस्ट डॉट गेट, इसको जो TURL को। ओके हमारा हो गया है, तो हम टेस्ट करते हैं ये काम देता है। हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, हमने रन कर दिया है, जो मैसेज जा रहा है कि नहीं और हम टेस्ट करेंगे। देखिए ये नोटिफिकेशन आ रहा है और ये सक्सेसफुली हमारा जो ऑटोमेशन है ऑटोमेटिक हो रहा है, देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक मैसेज जा रहा है, जितने भी वैक्सीन सोर्स अवेलेबल है उस पर जा रहा है। जो मैसेजेस है ये सिर्फ 3 बार स्टार्ट होके बंद हो गया है,
तो हमको रियल टाइम वैक्सीन स्लॉट का अवेलेबल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको एक टाइम और शेड्यूल दे देंगे कि वो इतने ही सेकंड में फिर रिफ्रेश होकर सर्वर को बार बार हिट करता रहे और हमको रियल टाइम आउटपुट देता रहे। तो हम पहले एक दो मॉड्यूल इंस्टॉल कर इंपोर्ट करेंगे। पहला है इंपोर्ट टाइम और एक करेंगे लाइब्रेरी इंपोर्ट सेटल। दो हम इंपोर्ट कर दिया है और उसको एग्जीक्यूट अब करेंगे। हमने कोइन एक्सट्रैक्ट को एक्सट्रैक्ट कर दिया है। हम यहाँ पे हमारे जो शेड्यूल और टाइम को यूज करेंगे। शेड्यूल का यूज हम करेंगे कि ये शेड्यूल है जो एवरी 1 मिनट में, एवरी 1 मिनट में वो सर्वर को, ब्राउजर के सर्वर को हिट करेगा और हमें रियल टाइम आउटपुट देगा। और किसको वो 1 मिनट में करेगा, जो कोविन एक्सट्रैक्ट हमारा जो कोइन एक्सट्रैक्ट हमारा जो फंक्शन था उसको रन करेगा 1 मिनट के बाद, 1 मिनट के बाद। फिर जब ये ट्रू होगा तब हम इस शेड्यूल को रन करेंगे, शेड्यूल का रन करेंगे और फिर हम टाइमर देंगे कि तुम 1 मिनट के बाद स्लीप कर जाओ। तो टाइम डॉट स्लीप, तो हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। वो ये अब 1 सेकंड के, 1 मिनट के, 1 मिनट के बाद इस सर्वर को हिट करेगा और रियल टाइम डाटा हमको इस डाटा के लिस्ट में भर के देगा और हमें ऑटोमेशन का मैसेज आए। तो हम रन कर देते हैं। ये अब हमारा स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हैं। ये हम हमारा स्टार्ट हो चुका है और हमारा मैसेज भी आने लगा है, देख सकते हैं कि 1 मिनट के, 1 मिनट के बाद देखिए, देख सकते हैं ये हमारा मैसेज आ चुका है और यहाँ पे प्रिंट भी हो रहा है। तो ये हमारा लैपटॉप और कंप्यूटर के आईडी में हो रहा है। इसको हम सर्वर क्लाउड में अगर स्टोर कर दें तो ये हमारा हमको बार बार पीसी के आगे आकर रन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम इसको क्लाउड में स्टोर कर देते हैं। क्लाउड में स्टोर करने के लिए पहले हम अपने ब्राउजर में आएंगे और टाइप करेंगे पाइथन एनवायर। यह एक क्लाउड होस्ट रन एक सर्विस है, वेबसाइट है जो आपके कोड को रन करेगा क्लाउड में और वेब सर्वर में। तो हम खोल लेते हैं और ये हमें डायरेक्टली डैशबोर्ड में लिया जा रहा है। अगर आपने साइन अप नहीं किया है तो आप साइन अप कर ले, ये आपको डायरेक्टली डैशबोर्ड में ले आ गया। फिर हम जाएंगे हमारा जो फाइल्स में, फाइल्स में जाने के बाद ये आप जो आपका फाइल है यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं, या तो अपना जो पाइथन स्टार्टअप फाइल में उसको क्लिक करके यहाँ पे आपका जो कोड पेस्ट कर सकते हैं। तो हम ये ऐसे ही करते हैं, हम हमारा कोड को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो हम कंट्रोल ए मारेंगे और कंट्रोल सी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। हमने यहाँ पे पेस्ट कर दी और इसको सेव कर देते हैं। हम ऑलरेडी सेव कर दिया है, फिर इसको हम रन करते हैं, देखते हैं ये काम देता है कि नहीं। हम रन पे क्लिक किया और हमारा जो कंसोल है वो स्टार्ट हो चुका है। हम देखते हैं कि हमारा जो मैसेज ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं। ये देखिए हमारा ठीक ठाक काम कर रहा है और हमारा जो मैसेज है वो ऑटोमेट हो रहा है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये हमारा ऑटोमेट हो रहा है, देख सकते हैं। सो आपको इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो
यहाँ पर कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो टेक केयर, बाय बाय, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।